अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين نهایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ اندر گفتگو دا سلسلہ جاری ہے
अल्लाह पाक दे फजल करम नाल सत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अज भी जिनी अल्लाह पाक ने तौफीक दित्ती बयान किया जाएगा मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए जिनी भी सैर है जिन्ना भी सफर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अपने पाप जिस्म दे नाल कीता ए रूह दा मामला नहीं ए ख्वाब दा मामला नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी अल्लाह पाक ने शान अता फरमाई जिन्हों मेराज कहा जाता है अल्लाह फरमांदा है आसरा मैं सैर कराइए ये रूह नूं नहीं कराई गई ख्वाब का मामला नहीं सरकार जिथों तक भी गए ने अपने वजूद पाक दे नाल गए ने उहदे लफ्ज़ ने कुरान पाक च अब दे ही सुभान अल्लाह आसरा बे अब दे ही अल्लाह फरमांदा है पाक ओ ज़ात पहला सरकार दे मेराज वल नहीं वेखना सरकार दे सफर वल नहीं वेखना सरकार दे अरूज वल नहीं वेखना अपनी अकल कोलों ते शऊर कोलों कम नहीं लेना तुहाडा शऊर ते अकल उथों जवाब दे देगा पहला वेखना ए वे ए मकाम देण वाला कौन है ये शान देन वाला कौन है वो कौन है वो अल्लाह की जात है वो सुबहान है सुबहान अल्लाह दी पाक ओ जात मुफस्सिरीन इकराम फरमांदे ने आ इत्थे मुराद है कि अल्लाह इज्जत तो पाक है वो आजिज़ नहीं इन्नल्लाह अला कुल्ले शयइन कदीर ओ आजज नहीं ओ कादर है जो चाहे जिस वेले चाहे अल्लाह पाक उवे कर सकता है जदों ए ईमान होवे ते फिर नबी पाक दी अजमत ते शान ते मकाम ते रिफत ते दरजात ते मेराज ते इलम ते इख्तियारात ते फिर बहस नहीं होनी चाहिए क्योंकि शाना देन वाला अल्लाह है अल्लाह शाना देन वाला है अल्लाह फरमांदा है पहला वेखो ये मकाम दिन दिता किन्ने ने चेते मैनू मनने मैनू इज्जत तो पाक मनने अल्लाह कुल्ले शैन कदीर मनने ते फिर मेरे नबी दे मेराज ते शक ना करी क्योंकि आप नहीं गया इनू मैं सैर कराई है सारे जवाब खत्म हो गए अलाकुले शैन कदीर है ओ चाहे ना माँ होवे ना बाप होवे आदम अलैहिस्सलाम दा वजूद मार दे वजूद च आ सकता है ओ कादर करीम चाहे बगैर बाप तो ईसा अलैहिस्सलाम दी वलादत मरियम पाक के पाक बतन चो हो सकती है क्योंकि अलाकुले शैन कदीर है ओ चाहे ते कुंडी हिलदी रहे पानी चलदा रहे बिस्तरा गर्म रहे ओदा महबूब जा भी सकदा ते आ भी सकदा ओ बड़ा सादा जिहा किसे लिखिया है मेराज सी राज मुहब्बतां दा ए मेराज सी राज मुहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ विच आउण वाला सद्या तालब ते गया मतलूब उथे जिब्राईल सी सद लजाउण वाला वादे आखदे बिना दरवाजियां दे कीवें गया सी अर्श ते जाण वाला अबर अकल नूं इत्थे कम कीए जाने जाण वाला या लजाण वाला
जेड़ा अल्लाह पाक की जात ते ईमान रखता है, जेड़ा अल्लाह पाक नू कादर ते मालक ते खालक मनदा है, उहदे ज़हन ते सवाल नहीं होना चाहिदा कि किवें गए किवें आए। भाई ये जिन्ने मकाम दिता है उहनू पुछो ना। अल्लाह फरमांदा है सारा मकाम मैं अता फरमाया है, ये सैर मैं करवाई है, ये इनू इज्जत अजमत मैं दिती है, ते ख्वाब च नहीं गया, रूह नहीं गई, सने जिस्म गया सोना ते सने जोड़िया गया, सने जोड़िया गया वो किए अब दे ही। सुबहान अल्लाह जी आसरा पे अब दे ही। अल्लाह फरमाता मैं अपने बंदे नू सैर कराई है, रूह नू अबद नहीं किया जाता, रूह निकल जाए तो मुर्दा होता है, अबद नहीं किया जाता, रूह ते जिस्म दोवें होण फिर अबद बनता है। कुरान पाक का मुतालिया करो, अल्लाह पाक की जगह अरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है लम्मा कामा अब्दुल्लाह यदू, क्या तू नहीं वेखिया जो मेरा बंदा मेरी इबादत करता, रूह निकल जाए तो फिर इबादत नहीं होती, सिर्फ जिस्म से इबादत फर्ज ही नहीं, रूह ते जिस्म ते असी नमाजा पढ़ने, रूह ते जिस्म जुमा पढ़ना है, रूह ते जिस्म है तो मैं बोलना पिया। अबद बन गई उदो में जो रूह भी होवे ते जिस्म भी होवे, होर ऐ दिन च आ गई। अल्लाह फरमांदा है अराई तल्लाजी यनहा अबदल इजा सल्ला, विख्या नहीं ये रूह ने जिस्म नू अबद किया गया, ना रूह नू अबद किया जाता ना जिस्म नू अबद किया जाता है, और लफ्ज़ इन च आ गए। अल्लाह फरमांदा ज़िक्रु बिरहमत रब्बिही अब्दु ज़करिया, रूह ने जिस्म नू अबद किया गया, नमाज रूह पढ़ नहीं आते ना, रूह ते नमाज फर्ज है, ऐसा रूह ते जिस्म हैं ते सी आया ना, बल्कि अल्लाह पाक एक जगह होर फरमांदा है इन कुन तुम फी रही बिमिमा नज़लना अला अब देना, अला अब देना, ऐ जेड़ा मैं कुरान अपने बंदे ते उतारिया है, दरस्तवजो करो सामईन मेरे बुजुर्गो दोस्तों, ये कुरान हजूर की रूह से नाजल होया, कुरान हजूर दे जिस्म ते नहीं रूह ते जिस्म ते नाजल होया। इस वास्ते अल्लाह पाक ने कुरान करीम अंदर इरशाद फरमाया सुबहान अल्लाजी आसरा बे अब्देही, पाप क्यों दात जिन्ने सैर कराई अपने बंदे नू, मतलब ना रूह दा मामला है ना ख्वाब दा मामला है, मेरा महबूब जाग दिया गया है ते सने जोड़िया गया है। अरे कीती या अल्लाह हबीब ते कलीम च की फर्क है, हबीब ते कलीम च की फर्क है, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कलीम होवे जेड़ा आप होंदा है, हबीब होवे जिनू जाके फरिश्ते लियांदे ने, कलीम होवे जेड़ा अर्ज करे रहे तो रब्बी ते जवाब आए लंतरानी, हबीब कलीम होवे जेड़ा आए ते हुक्म होवे इस वादी ते जोड़े उतार के आ, हबीब होवे जोड़िया का इरादा कते रब फरमाए सुने सने जोड़िया आ जी।
ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا یا کا ہمارا نبی، تاجداروں کا یا کا. اج میں واقعہ معراج تھوڑے جہے بیان کرنا چاہنا، اس واسطے قرآن پاک دی آیت سے میں بات سننا، کیونکہ 28 تاریخ نو معراج شریف والی رات، اج 23 ہے کہ 24 ہے، اج 25 ہو گئی نہیں، 25 تے اج فروری ہے نا، 23 نہیں. بہرحال توجہ فرماؤ، تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. نہیں نہیں، اچھا بول رہا حضور دا ذکر ہون لگا ہے، معراج بیان ہون لگا ہے، نعرہ تکبیر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. اس واسطے مزے نال کریے جی، ایمان تازہ ہوئے گا. تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاصہ اے وے، آپ آرام فرما رہے ہیں، عرشاں والے دعاواں کردے رہندے سن، عرشاں والے اچھی بولو، عرشاں والے دعاواں کردے سن، یا اللہ ساڈا رسول بھی ہو ہی سونا، کیونکہ سرکار خدا دی خدائی دے رسول نے، تے یا اللہ موقع لیا تیرے محبوب نو ویکھیے، اپنے آقا رسول نو ویکھیے، او دعاواں قبول ہو گئیاں. اللہ نے فرمایا اچھا تسی تیاری کرو، تے میں محبوب دے لے آن واسطے انتظام مکمل کرنا ہوا جی. تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم شب اسرا دے دولہ، شب اسرا دے دولہ آرام فرما رہن، کتاباں وچ موجود ہے، روایت موجود ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے جبریل علیہ السلام، اے جبریل جی میرے مولا، فرما جو ویلا آ گیا ہے، اج میں محبوب نو سیر کرانا چاہنا، اب میں اپنے محبوب نو اتے لے آنا چاہنا، کیونکہ اے بھی زیارت کرن والے ہر چیز دی نسبت میرے محبوب نال ہو جائے. یا اللہ کی ہوئے، فرمایا عرشاں والیاں نو کہہ دے جنہ سجا سکدے ہو سجا لو. دیکھو اللہ پاک بے صورت ہے، اللہ پاک لا مکان، اللہ پاک وجود تو پاک ہے، اللہ بہن تو پاک ہے، اٹھن تو پاک ہے، چلے لوگ آندے نے اللہ انہاں چیزاں تو پاک ہے، نہ انہوں کرسی دی ضرورت ہے، نہ گھر دی ضرورت ہے، نہ کسے تخت دی ضرورت ہے، وہ تے لا مکان تے بے صورت ہے. یہ جڑا عرش ہے نا، اے بنایا ہی معراج دی رات واسطے گیا ہے. دیکھو میری بات سنو، ایک بادشاہ نے ہونا ہوئے نا، ایک بادشاہ نے اس علاقے چ وقت پہ آ گیا، راتوں رات سڑکاں ٹوٹیاں بن جاندیاں، گملے لگ جاندے ریڈی میڈ، درختاں نوں کلیاں ہو جاندیاں، دس دس پندرہ پندرہ دن پہلے سٹیج سجائے جاندے. ایک بادشاہ واسطے وے، تے جتھے خدا دی خدائی دا بادشاہ ہونا ہوئے جی، عرشاں نوں سجا دیو، کیونکہ تیرا مسند ناز ہے عرش کریم،
अल्लाह हजरत अजीम अल बरकत रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने तेरा मसनत नाज है अरशे बरी, तेरा महरम राज है रूह लोमी। अरशा वालियां नूं कह दियो अरे सजा जन, अज सजा लैन, अज मेरा महबूब आ रहा है। या अल्लाह तेरे हुक्म दी तमील होवेगी। जबरील अलैहि सलाम ने उन्हां फरिश्तियां नूं आर्डर सुनाया सजा लो, अज उत्ते बहन वाला आ रहा है। उन्हें सजाना शुरू कर दिता, फरमाया जन्नत नूं सजा दियो, मुजय्यन कर दियो, मुजय्यन कर दियो। हूरा नूं कह दियो अलग सदियां पोशाकां पा लैन ते इस्तकबाल वास्ते तैयार हो जान। अल्लाह 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 पाक दे हुक्म जाके जन्नत नरी सुनाया गया, जन्नत मुजय्यन की गई, पोशाकां बदलियां गईयां। ओ मलाइका फैल जाओ, दस्त बस्ता खड़े हो जाओ, जितों जितों भी मेरा महबूब आए उन्होंने सलामी पेश कर दे आ जाए। तैयारी हो रही है, रब दा महबूब आ रहा है, नबियां दा सरदार आ रहा है, अरशां दा दूल्हा आ रहा है, खुदा दी खुदाई दा बादशाह आ रहा है, रहमत लिल आलमीन आ रहा है। हर पास तैयारी हो गई मुसलमानों। इधर अल्लाह पाक ने फरमाया दोजख दे दरवाजे बंद कर दियो ते रहमत दे ते जन्नत दे सारे ही खो। तैयारियां कर लो, या अल्लाह तेरे हुक्म दी तमील होवेगी। कह दिया तैयारियां, छब्बीस दिन ते सताई दी रात, रजब का महीना, तैयारियां हो गई आले मुसलमानों। फरमाया 70,000 का जलूस लै, एक बुराक लै, एक बुराक ते मेरे महबूब नू लैके आ। ए जबरील तू जा के सोने नू ले आ। किबला हाजी साहब रहमतुल्लाह, ए जिब्राइल अलैहि सलाम, ए जिब्राइल तू जा के सुन नू लिया। एक करी कह लो जबरील तू जाके सुन नू लिया, जबरील सुन नू लिया, ए जबरील तू जाके सुन नू लिया, अर्श सजदाई रे। उच्चा बोलो मठे मठे बोल रहे हो, मठे बोल यार सुन ले। हर पास तैयारी होगी, मर्ज की तेने एक बादशाह होना होवे इलाके दे अंदर ही नहीं, तेरे खुदा दी खुदाई दा बादशाह भी होवे, नबियां दा सरदार भी होवे, ते रब दा महबूब भी होवे। उच्चा कह दियो यार, तैयारियां हो गई। सैयदुल मलाइका हज़रत जबरील अलैहि सलाम जन्नत अंदर, फरमाया मुजय्यन कर दियो, अलग किस्म दियां पोशाकां नूरी पा लो। ओ बुराको इक ने जाना है जिदे ते रब दे महबूब ने सवार होना है। बुराक एक जानवर है, बुराक बर्क विचो है। मैं इहदी वज़ाहत करां ते फिर होर कम शुरू हो जाएगा। बुराक खुशियां मना रहे हैं, एक रोंदा पे। सैयदुल मलाइका हज़रत जबरील अलैहि सलाम फरमाते ने अज ते हर पासे खुशी खुशियां, अल्लाह दे महबूब तशरीफ लिया रहन, रहमत लिल आलमीन आ रहन, खुदा दी खुदाई दा बादशाह रहा है, हजूर आ रहे ने। अज उतने वालियां दी दुआ कबूल हो गई, अज सारे नू ज़ियारत होनी है। तू क्यों रोना पिया,
ਉੱਥੇ ਬੁਰਾਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਬਰੀਲ ਅਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਨਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਨਾ ਖੋਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਸੂ ਆ ਜਾ ਉਹ ਅੱਖ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਖਾਜਾ ਕਮਰਉਦੀਨ ਸਿਆਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਖ ਬੜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰੋਵੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਰੋਵੇ ਇਹ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹੇ ਧੋ ਛੱਡਦਾ ਸੈਯਦ ਉਲ ਮਲਾਇਕਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਜਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬੁਰਾਕ ਪੜਿਆ 70,000 ਦਾ ਜਲੂਸ ਆਇਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੁਕਤਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੂਰੋ ਮਲਾਇਕਾ ਦਸਤਬਸਤਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਰਾਹ 'ਚ ਮਲਾਇਕਾ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਜਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਤ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਹਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰਸ਼ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇੰਜ ਮੁੰਡਿਓ ਪੜ੍ਹੋ ਖੇਕਰੀ ਗੂੰਜ ਆ ਜਾਏ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮੇਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਅੱਜ ਅਰਸ਼ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵਣ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਏ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵਣ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਫਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਨਬੀਆਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਠੰਡਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੇਕ ਸਫਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਸਫਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਮਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੋ ਮਹਿਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬੇ ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ ਆਏ ਮਹਿਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ
जाए। तवज्जो नाल सुनिया जे, तुरे मक्के तो अज दो राही। उच्चा बोलो यार, तुरे तुरे मक्के तो अज दो राही, जबरील ते रब दा इक माही। तुरे मक्के तो अज दो राही, जबरील ते रब दा इक माही, इक सिदरा ते रह जाना, इक सिदरा ते रह आए, इक सिदरा ते, इक तोड़ बुलाया जाना, एक सिदरा तेरे, एक कौन बुलाया। असी क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्यों खुश हो रहे हैं? सुनो, एक ऐसी घड़ी भी आनी है। पूछा क्या दे, एक ऐसी घड़ी भी आनी है, कुछ मननी ते कुछ मनोनी है, एक ऐसी घड़ी भी आनी है, कुछ मननी ते कुछ मनोनी है, अज बख्शिया जाना उम्मत ने, अज बख्शिया जा उम्मत ने, अज बख्शिया जाना, बख्शिश नू लुटाया जाना, इस रात दे तारे ए जबरील अलैहिस्सलाम ले जाए बुराक, बुराक नाले 70,000 फरिश्ते दी जमात नाले, तेरे ते मेरे आका इमाम उल अंबिया सैयद उल अंबिया नबी अकरम नूरे मुजस्सम शब यसरा दे दूला आराम फरमा रहे ने। उची बोलो, उची बोलो, आराम फरमा रहे ने, जेड़े सारी सारी रात जागण, अल्लाह फरमांदा सोने आराम भी कर लिया कर। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमुल लैला इल्ला क़लील, सुनिया थोड़ा जी आराम भी कर लिया कर। अज कुंडी मार के चादर लैके तेरे ते मेरे आका अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। इन्हें कह देना तेरी शान महबूबी तो सदके जावां, तेरी शान महबूबी तो सदके जावां, सैयदुल मलाइका हजरत जबरील अलैहिस्सलाम दरवाजे ते खड़े रहे, की करा, दरवाजा खड़कावां, जवाब है नहीं, फौक सौत नबी, इतने उची नहीं बोली दा, इतने शोर नहीं करना, तेनू नहीं पता मेरा महबूब आराम करता पिया, दरवाजा नहीं खड़काना, कुंडी नहीं खड़कानी। फिर ख्याल है आवाज देना उची, या सुल्ला मैं आया, इंज भी नहीं करना, करा की, फिर मैं छत ते चढ़, तवज्जो है मेरे अल, छत ते चढ़, इन्ना कु सुराख कर, वेखी कोई मिट्टी का जर्रा मेरे महबूब की चादर ते ना पवे,
हुण जबरील अलैहिस्सलाम दे 600 पर ने किताबां जांदा किन्ने पर ने 600। सरकार ने कहा फरमाया मैनू विखा अज की सुने इत्थे ते मैं सारे खोल भी नहीं सकदा। जिथू सिदरा ते रुकिया ना फरमाया हुण खोल खा सारे खोले फरमा इन्हें 600 उपरां वाला जिथे रुक जाए ना उथे मेरी इब्तदा होंदी आ। जबरील ने सलाम जी कुछ शान कट है सैयद मलैका रसूल भी है फरमा छत पे चढ़ सुराख कर मतलब पता की है बुजुर्ग फरमाते ने उलमा ने लिखिया इस वास्ते के कायनात नू पता लग जाए जिड्डी भी शान वाला है ना इस दर ते आके मैं मिटा के अपना मिटा के इस बूहे ते आया करो इस दर ते इत्थे नहीं मेरा महबूब है सैयद अल-अंबिया है खुदा दी खुदाई दा बादशाह है अल्लाह सब नू मदीने पाक जल्दी जल्दी हाजरी नसीब फरमाए जल्दी जल्दी। बड़े बड़े दुनिया आंदी है तुसीं वेखो जदों सरकार दा मजार आउंदा ना साह भी घुट लईदा है साह भी घुट लईदा है कि इत्थे उच्ची कोई साह भी ना निकले क्योंकि दरे मुस्तफा है उत्थे ते बायजीद जे दम भी नहीं मार सरकार दी बारगा छोटी बारगा तेरे ते मेरे आका इमाम अल-अंबिया सभी असरा दे दूला आराम फरमांदे ने पै सैयदुल मलाइका हजरत जबरील अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल होए या अल्लाह हुण की करा बाजू खलावा चादर लावा फरमाया नहीं जबरील इंज नहीं जगाना मेरे महबूब नू कयामत तक लोगों को पता लग जाए मकामे मुर्तवा की है या अल्लाह किवें जवावा फरमाया कपिल कदम है कपिल कदम है कदम है। जबरील अलैहिस्सलाम उच्ची नहीं बोलना चादर नहीं लानी हाथ पड़ के नहीं लाना या अल्लाह की करा फरमाया कदम वाले पासे हो सरकार दे कदम वाले पासे हो या अल्लाह करा की फरमाया पूछने वाली गल केड़ी है होठ कफूरी ते कदम नूरी होठ कफूरी ते कदम नूरी अगा हो के मेरे महबूब दिया कदमां दा बोसा लै तेरे होठ कफूरी ने हजूर ठंडक महसूस करनगे बेदार होणगे ते मेरा पैगाम सुना दई। जबरील अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैनू ओदर पता लगा कि मेरे होठ कफूरी की उन्हें ये मेराज दी रात वास्ते ने वजो है जनाब तेरिया शाना तो सदके चवल चवल बंदे समझे ही नहीं कि हजूर का मकाम की है हजूर की इज्जत की है। बस इको ही गल याद रखो जिदिया कदमा नू सैयदुल मलाइका चुमे जिदे कदमा नू सैयदुल मलाइका चुमे कायनात ओदी मिसल ते मिसाल सानी हो ही कोई नहीं। बाद अस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर दास्ताने हुसन जब फैली तो लामहदूद थी जब सिमटी तो रसूल पाक होकर रह गए आखर रजा ने खत्म सुकुन की लिखा मैं आखर रजा ने खत्म सुकुन इस पे कर दिया खालक का बंदा खलक का आका कर हुण बंदा मंजी ते सुता होवे
बैड से सुता हो जिन्होंने पलंग आते हो ते थोड़ा जिहा उड़े ते कदम चुमे जा सकते हैं। इवें गल अल्लाह मैनू ते तुहानू मां बाप के कदम चुमन की तौफीक ना फरमा। मेरे ते हुण चले कबरां जिन्हां दे हैं चुम लिया करो, मां बाप नू राजी रख्या करो, मां बाप की खिदमत करया करो, मां बाप का अदब करया करो। दुनिया ते जो वंडियां पैन ना मकाना दियां जमीना दियां जो मां बाप मर जान या मौजूदगी च भी घाटा खा लई मां प्यो नू नाराज ना करी। ए रुस गए ते रब रुस जाए, दुनिया के घाटे पूरे हो जाते नहीं, ये जिहड़ा घाटा पैना ना एक पूरा नहीं हो। बल्कि मैं भी कहांगा भरावां नाल भी एडा नाड़िया करो, जे को मरला भरा वध लिलेगा तो तेरे ही भरा है, जे को कमरा वध लिलेगा तो तेरे ही भरा है, जे समान विचों कोई बिस्तर मंजी पीड़ी वध लिलेगा तो तेरे ही भरा है। अगर इन चीजों के हवस को बच जाएंगे ना तो खानदान बर्बाद नहीं होंगे, अल्लाह ताला होर मुहब्बत अता फरमा देगा। तो मैरज करना पिया सरकार चार पाई ते आराम नहीं कर रहे, बेड नहीं सी, पलंग नहीं सी, चटाई सी जी। ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नसी है। आप चार पाई तो नहीं, पलंग ते नहीं, चटाई ते नहीं, अज दरी कहते हो तो हुक्म है कबल कदम आए है। हुण जबरील किन्ना कुछ चुकया होना है तो जमीन दे नाल उन्हें अपना मूल आया ते सामने आ गए हजूर दे कदम। तेरी मैं किस्मत तो सदके जावा जिहड़ा हजूर दे कदम चुमदा पिया। उच्ची नहीं बोले तुसीं, सैयदुल मलाइका जमीन ते आया ते नाल ला के ना हजूर दे कदमां ते अपना चेहरा। मर गए मौलवी ना दसने रह गए की पिया करना है। फिर ये भी बुजुर्ग एक बारी जो चुमे है ना चुमे तेरे तुमरे आका इमाम अंबिया सैयद अंबिया शबी असरा दे दूला ने चेहरे तो चादर उतारी। जबरील ने सलाम चुमी जाता है, फरमा दे रहे मैं उठ पिया दस की चलना है, सुनिया पता ही नहीं सी तेरिया तलिया चुमिया कि मजा आंदा है। अरज फेर करांगा जे राजा आजत दे दे मैं रज के तेरिया तलिया नू बोसे देवा, जना जन्नत ना जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मुहम्मद की तलियों में देखा। ऊंचा बोलो या रसूल अल्लाह। जन्नत ना जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मुहम्मद की तलियों में देखा। उथे मजा ना हो तो होए की सरकार ने कदम जमीन ते लाया सारी जमीन पाक फरमा छी।
मदीना तुल मुनवरा यसरफ कहा जाता से बीमारियों का घर हजूर का कदम लगा हवावां च भी शफावां हो गई मिट्टी च भी शफावां हो गई गुबारुल मदीना शफा कुल फरमाने ने कितों की मिट्टी पै जाए झाड़ लिया करो मदीने शीर की मिट्टी पवे तो झाड़िया भी ना करो बल्कि मैं तुम जाती वाकया सुनाना बिल्कुल हकीकत है जो मैं बयान करना पे ना उस मिट्टी भी शवान है बिल्कुल हकीकत मक्के शीर समय ऐ सिकड़ जा जम गया मेरे इतने खारश हो गए तो उत्ते सिकड़ जा बन गया जिम्मे जख्म होंगे वो ट्यूबा शूबा मैं लाव बिट्रोमेट टर्मोमेट भी आराम कोई ना आया बड़ी तकलीफ जो वुजू करा जो चेहरा फुटके ना तो हो तकलीफ होंगी है अल्लाह की इज्जत की कसम मिंबर शरीफ से बैठा मदीने शरीफ गया मैं क्या फिदा हुसैन सारी उम्र बयान किया ही इतने शिफावान ने इस मिट्टी की भी शिफावान ने मैं ला के ना हाथ थले इतने मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम असलात वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह एक मेरे को गलती हुई मैं उस वेले चेक ना किया सुनता नीत नहीं यकीन करो दोबारा मैं जो चेक किया ना सुनता पढ़ के इंज सी जी भी इतने कोई जख्म है ही नहीं सी सैयदुल मलाइका दे ते जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर दे कदमां नूं बोसा दित्ता तेरे ते मेरे आके इमाम अंबिया सैयदुल अंबिया नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर तो चादर लाई फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम किधर आए हो की गल है अज करदा सुनया इनल्लाह हस्ता कायला लकाए काया रसूल अल्लाह अरज की जिब्रील तलिया नू चुमके उठोया कर रब दा पैगाम आ गया है मेरा दिल कर दिया नौजवानों तुसी भी पढ़ लो अरज की जिब्रील तलिया नू चुमके उठोया कर रब दा थोड़िया जोर ला दियो उठोया कर रब दा पैगाम गया है सवारी लई बुराक खड़ाए ते वागा फड़न नू गुलाम गया सुनिया मैं अपनी आया मैं अल्लाह का हुक्म लैके आया तुहानू लैन आया वा अज अरशा वालिया दिया दुआवां कबूल हो रही ने अज तुसा उतरे इलाके जाना है मुसलमानों तेरे ते मेरे आका इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मैं उठिया जिब्रील अलैहिस्सलाम पता की कीता बड़ी तवज्जो चाहना मेरा सीना चाक किया मेरा सीना बर्तन च रखिया दिल कढ के बर्तन च रखिया तो मैं वेना पे इस गल ते गौर भी करो ना जेड़े आंदे वही नहीं फर्क अल्लाह हदायत ता फरमा एक साह रुक जाए ना एक साह अंदरों बाहर ना आए बाहरों अंदर ना आए तो बंदा मर जाता फौत हो जाता है लोग कहते हैं हार्ट अटैक होया या हार्ट फेल होया इवें गल है अल्लाह जिन्हें भी बीमार ने अल्लाह सेहत कामला आज अल्लाह ता फरमाए इंज ही होंगे एक साह दुआ करो अल्लाह सानू मौत याद रख के जिंदगी बसर करने की तौफीक ता फरमाए पता तो घड़ी का भी नहीं ना एक साह रुक गया तो काम मुक गया
कोई नहीं आके कहता शाहरी कितने ने, आवस साहब कितने ने, कारी साहब कितने ने, हजरत साहब कितने ने, पीरूरी कितने ने, किसे नहीं आके आखना। तुम जानते हो यह साड़ी उपात ऐस है। वैसे बड़े तिड़े फिरने आते बड़ा असं बंदे बंदा नहीं समझते है कि असी किसे नहीं आखना। मलक साहब कितने ने, तड़ साहब कितने ने, भट्टी साहब कितने ने, बिरक साहब कितने ने, फलां साहब कितने ने, फलां साहब मुकते लोग कहते ने मैयत तैयार है। एवं ही है मैयत तैयार है, मैयत को गुसल देता जे एक साह रुकया लोग मैयत आंदे मैयत चंद घंटे को नहीं रखता। अल्लाह पाक तुहानू ते मैनू मौत याद रख के जिंदगी बसर करने की तौफीक दा फरमाए। बिलियो याद रखिया जे आंदा रहना जो कोई ऐसी गल हो तबलीक अच्छे लोग हो तुसी मगर मैं तबलीक तो करनी होंगी है ना। कभी भी ना भुलिया जे मौत में कभी भी ना भुलिया कभी भी ना भुलिया जे जो भुल जाएंगे ना असी उदो नुकसान उठावे क्योंकि याद रहेगा तो सानू पता लगेगा ओ जिम्मे कबर ने इवें साड़ी बननी है इवें चुक के सानू खड़ना ने। मैं तो कई बार जनाजिया जावा भी तो परेशान हो जाना लोग बड़े तंग खलोते होंगे मैं छेती छेती जान छुटे आखिरी बार नबाण आया है दुआ तो कर जा तरीके सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह ने कहो तो सारी भज जाते चंद रह जाते वास्ते दुआ ही कर दो इन्ना टाइम ही लोगों को कोई नहीं मेले तो इतने रह गई जमीन तो इतने रह गई पैसा तो इतने रह गया कारोबार तो इतने रह गया पलाजेरी तो इतने रह गए ने तलक ही खत्म जिदन को मर जाता है जो बाकी बचे वह की तलक है वो तो जिड़े हैं घर बाल बच्चा है वंड मुंड लैने लड़न गए ना वंडन गए कुछ वो भी कम कर जाइए तो कबर शर्मिंदा रहो गुनाहगार तो असी है ही हाँ सुस्त गाफल तो है ही हाँ कम से कम इन्ना तो बंदा कर जाए कि मदीने वाला आखे यार है तो गुनाहगार ओए फरिश्तियो है तो गुनाहगार पर है मेरा उम्मती सच्चा कुछ ही चवड़ नहीं सुमारी जुल्म नहीं सुकीता ज्यादती नहीं सुकीती सूद नहीं सुखादा आराम नहीं चुकादा किसी ने सताया नहीं सुहाका नहीं सुमारिया। अल्लाह ताला मैनू ते तुहानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा एक साह रुक जाए असी मर जाने फौत हो जाने सरकार दा दिल कढ के बाहर रखिया सरकार वेंदे ने पै फिर मैनू ये कह दियो सरकार दी जिंदगी ते दिल दी भी मोहताज नहीं सरकार दी जिंदगी ते दिल दी भी मोहताज नहीं सरकार दी जिंदगी ऐस नौ कई दर्जे बुलंद विशाल तो बाद खुदा दी कसमें अज भी जेड़ा मदीने शीर जांदा है जेड़े गए ने उन्होंने पूछो मेरी गल की तरदीद कोई नहीं कर सकेगा शरत सुन्नी हो गए दूजियां नूं की पता है दूजियां ते वेला हुंदा ही नहीं गुनाहगार तो गुनाहगार भी मदीने शीर जाए ना कोई ऐसा अमल जरूर हुंदा है कि सरकार महसूस फरमा देंदे ने ना परेशान हो मैनूं पता है तू आए हैं उच्चा बोलो ईमानदार नसो महसूस हुंदा कि नहीं हुंदा। मदीना तुल मनवरा जुमे रात दा ते पीर दा रोजा रखिया जांदा उदन पीर सी ते अगलियां छतरियां अगे मैं बैठा रोजा अफतार होया ते खजूरां बड़ियां पईयां ते नमाज नीत लई फर पड़े गए हुण एक सफ तो अगे पईयां ने एक सफ तो अगे पईयां ने खजूरां ते मेरा भी दिल कीता है एक दो खावां
फिर हजूर दी बारगाह मेरा दिल ना कीता मैं बंदे टप के अगे जावा गैर इरादी तौर ते वल्ला गैर इरादी तौर ते निकलिया हुण मैं उठ के ते जाना कौन जे सरकार खुआनिया ते खुआ देंगे यकीन करो लोगो मैं इन्नी गल करके इंज सिर कीता ना ते एक काले रंग दा हबशी ओ गलासी भरी खजूरां दी आंदे लो जा हाज साहब खाओ हाँ जी हाँ जी मैं वाह मदीने आले आ तेरे कर्म तो सदके जाओ तेनू चलिया पता ही नहीं एवं गलत सोब च बह के गलत जगह बह के तेन हजूर की अजमत ते शान भुल गया दिल कटिया हो सरकार वेंदे ने पै ते खून भी नहीं निकलिया जख्म भी नहीं होया निशान भी कोई नहीं अजे भी नहीं पता लगा हजूर की बशरीयत भी बेमिसाल है हजूर जिया बशर खुदा की खुदाई च कोई नहीं एज ए बशर वेखेगा कि हजूर बेमिसलो बेमिसाल ने एज ए नूर वेखेगा तो बेमिसलो बेमिसाल ने हकीकत की गल मैं वाकया च करांगा हैं फरमाया तू ते 600 पर खोलिया ते मैं तेनू वेना पिया मैं 70,000 परदे चो एक परदा चुका कायनात अंदर जबरील तू भी ना मैनू वेख सके पता लगा जे कोई ना मैं की आख्या है एक परदा चुका इन्हां 70,000 परदियां चो एक चुका कायनात दी कोई अख ना मैनू वेख सके जबरील तू 600 पर खोले ने तेनू ते मैं वेना पिया मैं एक परदा चुकिया ते तू नहीं वेख सकना ईमानदार ने सोचे वही दा फर्क है दिल बाहर कढ़िया तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला पढ़ो तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले उच्चा बोलो या रसूल अल्लाह आला हजरत आला हजरत फिर दिल रखा गया फिर वुजू किया गुसल किया अर्ज किया ना पीले जुमे शबे असरा के दूला दूला शबे असरा के दूला पे दाइम दरू दोनों आलम का दूला हमारा नबी सरकार बन संवर के जबरील अलैहिस्सलाम ने जुब्बा नूरी पेश किया दस्तार नूरी पेश की क्योंकि अज उतरिया वेखना है उतलिया उची बोलो अज रब दा महबूब अरशां वालिया वेखना है अज अरशां वालिया वेखना क्योंकि खुदा दी खुदाई दा बादशाह है उन्हां दा भी रसूल है दुआवां कबूल हो गई ने महबूब खुदा दा अरशियां नू महबूब खुदा दा एक आवाज ना गूंज पा दियो महबू बेखुदा दा चियानू महबू बेखुदा दा दीदार कराया जाना है एक
बारी फिर कह दियो महबूब अरशियां नूं दीदार कराया। तवज्जो करो तेरे ते मेरे आका इमाम उलंबिया सैयद उलंबिया शबी असरा दे दूला तैयारी कर रहे ने बन संवर रहे ने बन संवर रहे ने ए मुसलमानों तवज्जो करो जिदा चेहरा वद्दो हादा होवे जिदियां जुल्फां बलैल दियां होण हामीम दे कुंडल होण मादागल पसर दे डोरे होण हलम नशरा दा सीनो होवे यासीन दा चेहरा एडा सोहना महबूब खुदा दी खुदाई च एडा सोहना है ही कोई ना जिन्ने हजूर ने और सुनियो तेरा बोलो अज जदों बण फप के निकले है किन्ना गुरूब चढ़िया तेरे ते मेरे आका जे बण संवर के निकले बण फप के निकले मुसलमानों जो बार आए जुबा नूरी दस्तार नूरी दुबुबा नूरी दस्तार नूरी बुराक नूरी खादम नूरी बुराती नूरी तेरे तमरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन फब के बाहर निकले बन फब के बाहर निकले बन फब के बाहर निकले बुराक पेश किया गया बुराक पेश किया गया तेरे तमरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाउण लगे जबरील अलैहि सलाम ने अर्ज़ किया सोहणिया ए दे ते सवार हो जा तेरे ते मेरे आका ने पहला कदम चुकिया ते रकाब चुकिया ते रुक गए ते रुक गए तवज्जो तेरे ते मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला कदम मुबारक चुकिया ते रकाब च रखिया ते रुक गए ते अखां चों आंसू आ गए जबरील अलैहि सलाम ने वेखिया महबूब रो पिया है रब दी तरफ इशारा होया हे जबरील मेरे महबूब नूं को रोया क्यों में वो दूल्हा बनिया कोई रोवे जदों कोई दूल्हा बनिया होवे तो रोवे लगदे नवारा तो नहीं ना खांदा हे जबरील मेरे महबूब नूं पुछ रोया क्यों में सैयदुल मलाइका अर्ज करदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडा सोहना मुबारक मौका अज तुहानूं रब सैर करान लगा है अज अरशां ते जाना जे लामतां ते जाना जे अज सारे तुहाडी ज़ियारत करनी है नबियां तुहाडे मगर नमाज पढ़नी है सारे मलाइका ने तुहानूं इमाम मनना है अज हर पासे तुसां सैर करनी है सारियां नूं ए शरफ हासिल होना है रोए क्यों हो कि तेरे ते मेरे आका अजपाल ने फरमाया हे जबरील रोण ते इस वास्ते आया है मैनू रब ने मकाम अता फरमाया है मैं ते बुराक ते सवार होण लगा ते मेरी गुनाहगार उम्मत रब वालों जवाब आया हे जबरील मेरे महबूब नू कह दे आंसू सहाय ना रो जो आखिर देवे मैं मो नहीं जो देवे पढ़ लो बदी डर को नहीं जो आख मोड़ना नहीं जो आख देवे मैं मोड़ना नहीं मैं दिल महबूब दा तोड़ना नहीं अलसांबे खजाने रहमतां दे अलसांब खजाने अलसांब खजाने हथी अपनी लुटा जा चुप करके उन सारी दुनिया सो गई है अरशां उते आ जा चुप करके वाह लजपाला तेरी लजपाली तो सदके तेरे करम तो सदके तेरे ते मेरे आका इमाम उलंबिया शबी असरा दे दूला जदों बुराक ते सवार होए ते 70,000 फरिश्ते दी जमात ने सलामी पेश की उच्चा कह दियो यार मेरा जी
की रतिया धूम ये थी मेराज की रतिया। मेरा दिल कर दिया सारे ही मेराज मुस्तफा बयान करो। मेराज की रतिया धूम मची मेराज की एक राज दुलारा आवत है। मेराज की रतिया धूम मची एक राज दुलारा आवत है। सरसोवत सेहरा असरा का सरसोवत सेहरा असरा का सरसोवत सेहरा असरा का ओ महबूब प्यारा आमद उच्चा बोलो तेरे ते मेरे आका इमाम उलंबिया सैयद उलंबिया शब असरा दे दूला बुराक ते सवार होए। बोलो बुराक ते मदना बोलो बुराक ते सफर शुरू होया। कुरान दे लफ़्ज़ सुनो अल्लाह वाला फरमांदा ले नूरिया मिन आयातिना हिकमत है मेराज अंदर मुफस्सरीन ने बुजुर्गान दीन ने बहुत कुछ लिखा वो फिर बयान करेंगे फिलहाल ये नहीं। बारक न हो लहू ले नूरिया हू मिन आयातिना अल्लाह फरमांदा है मैं सैर इस वक्त कराइए कि मैं महबूब न अपनिया निशानियां होनिया ने। कुरान के लफ्ज़ ले नूरिया हू मिन आयातिना निशानियां विखाणिया ने। हूँ इस बात ध्यान च रखो सरकार की सवारी जा रही है। बोलो सरकार की सवारी मजे ना बोलो सरकार की सवारी। एक सजे पासे आवाज आई सरकार ने तवज्जो ना दिती। एक खब्बे पासे आवाज आई सरकार ने तवज्जो ना दिती। एक औरत की आवाज आई सरकार ने तवज्जो ना दिती। जबरील ने सलाम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंगा किया जे। फिर आपने फरमाया इसे वास्ते नहीं वाल इन्होंने जवाब दिता ए तवज्जो करदा ते यहूदीयत कौम चली जाती इधर जाता तो नसरानी हो जाते ए दुनिया गालब हो जाती। मेरे आप अगे निकल गए अगे फरमा मेरे मूसा अलैहि सलाम की कबर आई ते मैं वेखिया मूसा अलैहि सलाम अपनी कबर ते नमाज पढ़ते फरमाया सुने इत्थे भी रुक इत्थे भी ले नूरिया हू मिन आयातिना। कबरां दे जाना मना हुंदा भी हजूर रुक दे हुक्म हुंदा हजूर इत्थे रुको नहीं हजूर रुके कि क्यामत तक पता लग जाए ले नूरियाहू मिन आयातिना। अल्लाह दे प्यारियां दे मज़ारां ते जाना कबरां ते जाना हजूर दी सुन्नत है। कब्रस्तान ते वैसे भी जाना चाहिए। मैनू नहीं समझ आई कि जेड़े आंदे ने कबरां ते ना जाओ तो कबरां दे विच टुर जाने बाबू तू नहीं जाना अल्लाह दे बंदे हो लंघ दे हो कोई टाइम नहीं लगता लंघ दे हो कब्रस्तान आ जाए कोई कबर आ जाए इन्हें कहने च कितना कु टाइम लगता है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर की आखी दे
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਖੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਓ ਰਾਜ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਤਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਮਿਆ ਦੇਣਾ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਮਸੀਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ ਖੁਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੀ ਅਮਲ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ ਤੇ ਰਹਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਨਸੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈਏ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਚਲੋ ਤੇਰਾ ਕੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਲਾ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਓ ਕਬਰਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਬਰ ਵੀ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਵੇਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕਬਰ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਲੀਮ ਉੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹਬੀਬ ਉੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਨੂਰੀਆਹੂ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਮਤ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਿਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਨੂਰੀ ਆਊ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸੈਯਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਨਨ ਸਫਾ ਵਲ ਮਰਵਾਤਾ ਮਿਨ ਸ਼ਾਇਰਿਲਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗਣ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵੱਤਾ ਕੇ ਜ਼ੂ ਮਿਮ ਮਕਾਮ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਸੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕਦਮ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ
जिदा च आके एवं ही बेड़ा गर्क ना कर लेना, उस वेले तो बचो। जिंदगी दे किसे शोबे नाल तल्लक है तुहाडा? जिन्हें मेरे बुजुर्ग बच्चे अजीज बैठे हो तुसी भी सुनो, उस वेले तो बचाओ जो बंदे नू पता भी नहीं लगता तो कख नहीं रह जाता, फिर सुआ पछतावे तो कुछ नहीं लगता। जिंदगी च किसे अल्लाह वाले की बेइज्जती ना करना, बल्कि जिंदगी च किसे गरीब नू सताना ना, जिंदगी किसे मजलूम ना ज्यादती ना करना। ये तवज्जो नाल सुन दे, मैं एक गल करना चाहना, सुभान अल्लाह को भला तवज्जो हो गई है ना, नाले सुभान अल्लाह क्या जे तुहानू सवाब मिल गया। फराइज कट लो, फराइज नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, इसीयत हो तो हज फर्ज है, जकात फर्ज है, ठीक है। ऐसा मौका आए तो जहाज जो फर्ज होता है फर्ज हो जाए, फराइज कट लो, बाकी दीन है ही हुकूकुल इबाद। समझ आई जे कोई ना? अब फराइज कट लो ना तो बाकी दीन की है। तुसी किसे कबर भी तो नहीं कर सकते, उत्ते बह नहीं सकते, कदम नहीं रख सकते, कबर ते दे कदम नहीं रखते, जींदे उन लताड़ छड़ दे, कबर दा इहतराम है ते जींदे दा कोई नहीं जी। कम से कम हराम हलाल हकूकुल इबाद पड़ोसी दे की ने, वालदैन दे की ने, बुजुर्गां दे की ने, साडे लगदियां दे की ने, मां बाप दे की ने, भैणां भरावां दे की ने, औलाद दे की ने, औलाद नूं पता होना चाहिए। जदों इन्हां चीज़ां ते अमल कर लोगे ना, हकूकुल इबाद एक ऐसी चीज़ है कि शहीद नूं भी माफ़ी नहीं मिलती, अल्लाह अपने सारे हकूक माफ़ कर देंदा। फर्ज करो किसी का कर्जा देना तो वह नहीं, एक उकले बाद है। इसे वास्ते कामयाब वो है जिन्हें उकले बाद का ख्याल रखा। कामयाब दुनिया के जिन्हें भी लोग हो ना, उन्हें उकले बाद का ख्याल रखा। उकले बाद का ख्याल ना रखिए, सोच भी नहीं सकते कि जुर्म है। चे जाए तो हकूकुल इबाद का भी ध्यान ना हो, बेतबे अकीदा बेतबहना हो जाए। लई हदायत फरमाए, इंज नहीं करना चाहिए, वो ऐसा काम ना कर पाइए आम बंदे बेबदी की जाए तो अल्लाह बारे च नहीं। जेडे अल्लाह के प्यारे ने वो नबी ने वो वली ने, लेनूरी आहू मिलना या तेना। इसे वास्ते याद रखो, असी आले सुनत कर दी ये वा, मैं गर्दिश पूवे यार करता हूं, करण ते हाजी जाइए ना, करण ते उमरे ही जाइए ना, सुनी की आने रहे उमरे का ना बाद चले, हज का ना बाद कितने चले हैं मदीने शरीफ, हाय हाय कितने चले हैं मदीने शरीफ, उनकी तफैल रब ने हज भी करा दी। मैं गर्दिश कूवे यार करता हूं, मैं यही कारोबार और बंदगी का नहीं सलीका कोई, मौला तेरे बंदों से प्यार।
غور تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عمل تے ویکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان تے ویکھو اے پنڈ بھی اللہ نو پیارے لگدے نے قبراں بھی اللہ نو پیارے لگدے کیڑیاں جتھے کسے اللہ دے پیارے دی نسبت ہو جائے پھر مدینہ شریف ہوئے سبحان اللہ نہیں آکھن دل کیتا جدے صدقے سارے نو مقام ملیا مدینہ تل منورہ ایتھے نبی پاک نے غلاماں نو پوچھنا جدو مدینہ تل منورہ جدیوں بس جاندی ہے یا مدینہ شریف ڈائریکٹ جائیے تو ایئرپورٹ تو مدینہ پاک آئیے یا مکیوں بس تے بئیے تے راج بورڈ آدھے نے انے کلو میٹر مدینہ تے جدو بلڈگا جو پہنچ جائی دا تے انج سامنے روزہ ہوتا ہے الفاظ ہی کوئی نہیں رحمتیں رحمتاں برکتیں برکتاں اللہ دے فضل اللہ دے کرم اے او جگہ نے جڑی اللہ نو پسند نے بلکہ مدینہ شریف تے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیتی یا اللہ جیڑی جگہ مینوں پسند ہے اوتھوں تو ہجرت دا حکم دتا ہے جیڑی جگہ تینوں پسند ہے اوتھے رہن دا حکم دتا ہے یا اللہ پھر مکے نالوں مدینے دنیا برکتاں عطا فرما حضور نو مکہ پسند ہے رب نو مدینہ پسند ہے نہیں سمجھ آئی وہ کسے نے پوچھیا سی سارا سونا شہر کیڑا ہے انہوں نے کہا جتھے میرا محبوب وسدا ہے وہ سارا سونا ہے مدینہ پاک رب دا محبوب ہے امام الانبیاء ہے جتھے 70,000 صبح آ رہے ہیں 70,000 شام نو آ رہے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اگر ہن اگلی روایت میں شروع کرانا وہ ایک روایت بیان کرنے واسطے ادھا گھنٹہ چاہیے تے ٹائم بھی تقریباً 3 بجے پہ اللہ تعالیٰ دے کرم و کرم تے فضل نال یہ اللہ پاک توفیق دیتی تے پھر اتھے شروع کر لیں گے کیونکہ حضورا نہ رہ جائے اللہ پاک مینوں تے تانوں عمل کرن دی توفیق